हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फैशन आइडियाज। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम गाउन कैसे बना सकते हैं। एक्चुअली कुछ टाइम पहले मैंने एक शॉपिंग वेबसाइट पर एक गाउन देखा था और वो मैंने मंगवा भी लिया था। उसकी पिक्चर मैं साइड में इंसर्ट कर दूंगी। जब वो मुझे रिसीव हुआ, वो इसकी क्वालिटी इतनी बेकार थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। बहुत बेकार क्वालिटी का रिसीव हुआ था। वेबसाइट पर दिया हुआ था कि गाउन सेमी स्टिच फॉर्म में रिसीव होगा। सेमी स्टिच फॉर्म में रिसीव हुआ भी, लेकिन वो इस तरह से रिसीव हुआ कि सिंपल फॉर्म में एक गाउन स्टिच किया हुआ है और साथ में आपको अलग से कपड़ा दे दिया है कि आप डिज़ाइन बनवा लीजिए। लेकिन उस डिज़ाइन को बनवाने के लिए भी उस हमें पूरे गाउन को खुलवाना पड़ता और उसके बाद वो डिज़ाइन उस पर स्टिच किया जाता और उस गाउन को दोबारा से सारा स्टिच करवाना पड़ता। और जो इस गाउन की कॉस्ट थी वो 1500-1600 के अप्रॉक्स थी। आप ये सोच लीजिए कि आपको 1500-1600 में सिंपल कपड़ा रिसीव हो रहा था और कुछ नहीं, और वो जो जॉर्जेट का कपड़ा था वो भी बहुत ही गंदी क्वालिटी का मिला था। लेकिन उस गाउन की पिक्चर मेरे माइंड में इस तरह से फिट हो गई थी कि मुझे ये गाउन चाहिए ही चाहिए। तो मैंने क्या किया, उस पिक्चर को सेव कर लिया और उस तरह का मटेरियल परचेज करके अपने लिए एक गाउन बनाया। और आज की वीडियो में मैं आपको वही गाउन दिखाने वाली हूँ कि मैंने वो गाउन मेरा शॉपिंग वेबसाइट की कॉस्ट से भी कम में रेडी हो गया। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी कि उस गाउन के लिए मैंने किस तरह का मटेरियल खरीदा और किस किस तरह से उसको रेडी किया है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये है वो गाउन वाइन कलर का गाउन है, ये वाइन के साथ गोल्डन। इसको बनाने के लिए मैंने 7 मीटर जॉर्जेट का कपड़ा खरीदा। वो कपड़ा मुझे 120 रुपये पर मीटर के हिसाब से मिल गया था। इसको बनाने के लिए मैंने 1 मीटर कपड़ा खरीदा और ये भी मुझे 120 रुपये मीटर मिला था। और इसके नीचे जो मैंने लाइनिंग लगाई है वो 60 रुपीज़ पर मीटर लगाई है और ये लाइनिंग मैंने 3 मीटर खरीदी थी। इस गाउन को बनाने के लिए मैंने कुछ कलियां काटी और इस तरह से जोड़ दिया और साथ में ये इस तरह से ये 3 टायर में फ्रिल बनाकर लगाई। और ये योग बनाने के लिए मैंने ये वाइन कलर का कपड़ा साथ में गोल्डन पट्टी निकाल कर आगे और पीछे की तरफ इस तरह से लगाई है और फ्रंट साइड में और साथ में साइड प्लीट्स डालते हुए मैं इस कपड़े को इस तरह से दुपट्टे की तरह पीछे लेकर गई हूँ। तो इस तरह से मेरा पूरा गाउन तैयार हो गया। और ये डिज़ाइन आपको शायद इस तरह से क्लियर हो नहीं पा रहा होगा, तो मैं ट्राई ऑन पार्ट में आपको इसको पहन कर दिखाऊंगी। ये गाउन आप चाहे तो इस तरह भी पहन सकते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा वॉल्यूम देने के लिए इसके नीचे कैनकेन स्कर्ट पहनी है। आज की ये वीडियो आपको थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंडियन फैशन आइडियाज। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।